आप देख रहे हैं पूछता है उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सुभाष कौर। आज पूछेगा उत्तराखंड कि आखिरकार क्या 2022 के विधानसभा चुनाव में धांधली हुई है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी, जो कि उत्तराखंड का मुख्य विपक्षी दल है और दल के जो प्रमुख हैं प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल, उन्होंने इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके जनपद पौड़ी में जो डाक मतपत्र हैं उनकी कोई भी जानकारी उनको नहीं दी गई, जबकि वो वहाँ एक चुनाव मैदान में उतरे हुए थे, एक प्रत्याशी के तौर पर वो चुनाव लड़ रहे थे और उनको इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। आखिरकार कितने डाक पत्र किस किस व्यक्ति को भेजे गए हैं, कितने डाक पत्र छपाए गए हैं और कितनों पर लोगों ने मतदान करके जमा किया, यानी कि उनके पास कोई आंकड़ा इसका नहीं दिया गया, जिसके बाद नाराज होकर मतदान के बाद वो निर्वाचन आयोग पहुंचे। उन्होंने वहां शिकायत भी की लेकिन शिकायत पर कोई अमल नहीं हुआ, जिसके बाद उनकी नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ गई। इतना ही नहीं, इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इससे पहले आरोप लगा चुके हैं कि ईवीएम मशीनों में भी कुछ गड़बड़ी कराई जा सकती है, जिसके बाद उन्होंने सभी जनपदों में अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि वो अपनी ईवीएम का ध्यान रखें, यानी कि नजर बनाए रखें। तो क्या ये माना जा सकता है कि क्या ईवीएम मशीनों पर भी छेड़खानी की जा सकती है, या फिर जो डाक मतपत्र हैं उनके साथ भी कोई छेड़खानी की जा सकती है? इस तरीके के आरोपों का खंडन बीजेपी जरूर कर रही है, लेकिन क्या ये आरोप जो कांग्रेस पार्टी लगा रही है सरकार पर और अधिकारियों पर, जिनके पास ये काम था कि वो चुनाव को बेहतर तरीके से कराएं, अच्छे तरीके से कराएं और किसी तरीके की कोई समस्या उसमें ना आए, लेकिन उसके बावजूद भी आरोप मतदान के बाद एक के बाद एक विपक्षी दल कांग्रेस सरकार और उन अधिकारियों पर लगाता हुआ नजर आ रहा है। जरा एक बार सुनाते हैं आपको कि आखिरकार किस तरीके की बयानबाजी उत्तराखंड के दो मुख्य दलों के बीच में होती भी नजर आ रही है। सुनिए जरा क्या कहते हैं बीजेपी और कांग्रेस। चुनाव प्रक्रिया में सवाल खड़ा किया है, जो सर्विस वोटर था और प्लस जो चुनाव की ड्यूटी में लगे हुए कर्मचारी थे, उनकी वोटर लिस्ट अभी तक भी संबंधित उम्मीदवार को उपलब्ध नहीं कराई गई है। अन्य को कराई होगी हमें नहीं पता, लेकिन हमारे उम्मीदवारों को उपलब्ध नहीं कराई गई। हमने उसमें अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। हमने कहा कि एक लोकतंत्र विरोधी कदम है, क्योंकि लोकतांत्रिक पद्धति चुनाव हो रहा है, लेकिन और हर मतदाता का या उम्मीदवार का ये अधिकार होता है कि वो अपने मतदाता की पहचान भी करे, उसको उससे पहुँचने में सुलभता हो, उसको सूची मतदाता सूची उपलब्ध कराई जानी चाहिए। लेकिन बहुत से आरोज ने, रिटर्निंग ऑफिसर ने उस सूची संबंधित उम्मीदवार को नहीं दी है, उसमें हमने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी से हमने उसमें बृहद जांच करने की मांग की। कांग्रेस को ये महसूस हो गया है कि वो विधानसभा चुनाव हार रही है और इसीलिए हार के लिए बहाना ढूंढने की जुगत में है। पहले उन्होंने ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए और अब पोस्टल बैलेट की बात कह रहे हैं, जबकि सच्चाई है कि किसी प्रकार से भी कहीं पर आयोग ने कोई कोताही नहीं बरती है। हाँ, कांग्रेस को चूंकि हार दिखाई दे रही है तो ऐसे में हार का बहाना ढूंढने के लिए इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी की जा रही है और आयोग पर अनावश्यक तौर पर छींटाकसी हो रही है। आज डायरी लेने आ रही हूँ। तो आपने सुना किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी बातों को रख रहे हैं, जहां कांग्रेस गंभीर आरोप लगा रही है सरकारी अमले पर और सरकार पर, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि शायद कांग्रेस बौखला गई है, उसे पहले ही अंदेशा हो गया है कि वो हार रहे हैं इसलिए इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार कांग्रेस के जो आरोप हैं उनमें कितनी सत्यता है, और कांग्रेस जिस तरीके से गंभीर आरोप एक के बाद एक लगातार लगा रही है, तो क्या माना जा सकता है कि
सच में ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी थी, उसके बाद भी इस तरीके के आरोप लगातार विपक्षी दल लगाते हुए नजर आ रहे थे। उनका आरोप था कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है जिसके चलते इस तरीके के परिणाम आए। लेकिन अभी क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव है और चुनाव का मतदान जरूर हो गया है, लेकिन मतगणना से पहले ही इस तरीके के आरोप कहीं ना कहीं कटघरे में जरूर खड़े करते हैं राज्य सरकार को और उन अधिकारियों को जिन पर कांग्रेस इस तरीके के आरोप लगा रही है, क्योंकि खुद प्रदेश अध्यक्ष अपनी विधानसभा को लेकर निर्वाचन आयोग पहुंचे थे। उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से इस संबंध में बात भी की, उनको समझाने की भी कोशिश की कि आखिरकार जो व्यवस्था बनाई गई थी कि 80 साल से अधिक के लोगों के लिए डाक मत का प्रयोग किया जाएगा, तो कितने डाक मत बनाए गए और उन डाक मतों का प्रयोग किन किन व्यक्तियों ने किया, इसके साथ ही जो अन्य लोग थे जिनको डाक मत का प्रयोग करने का अधिकार था, उन लोगों ने इसका प्रयोग कब किया और किस किस व्यक्ति ने इसका प्रयोग किया, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार क्या सच में उनका दुरुपयोग हुआ है या फिर ये बातें केवल चुनाव को लेकर की जा रही हैं। चलिए इसी पर होगी चर्चा। चर्चा से पहले अपने मेहमानों का आपके सामने स्वागत करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से हैं संजीव वर्मा जी, जो पार्टी का पक्ष रखेंगे और बताएंगे कि आखिरकार कितनी सत्यता है कांग्रेस के इन आरोपों में। और इसके साथ ही कांग्रेस से हमारे साथ हैं राव बिलावर साहब, वरिष्ठ कहा जा सकता है, प्रवक्ताओं के तौर पर देखा जाता है, और अपनी बातें अपनी पार्टी की बातें बहुत बेहतर तरीके से वो सभी सार्वजनिक मंचों पर रखते हैं। और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ी हैं उमा सिसोदिया जी, जो एक वरिष्ठ आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता भी है और एक बेहतर कार्यकर्ता है जो जमीनी स्तर पर काम करती हुई भी नजर आती हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं राव साहब आपसे। राव साहब, गंभीर आरोप लगा रहे हैं आपके प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री, कितनी सत्यता है, आखिरकार क्या सोचकर आप इस तरीके के गंभीर आरोप लगा रहे हैं? देखिए, गंभीरता का विषय ये है कि कुल 58,000 के लगभग पुलिस कर्मियों को मतपत्र दिए गए और उनमें से 26,028 मतपत्रों का इस्तेमाल हुआ है। अब इसमें गंभीरता ये है, क्या 13D के निर्देशों का पालन किया गया है, क्या 13D लेवल उन पर चिपकाया गया है या नहीं चिपकाया गया है, क्यों गंभीरता? गंभीरता इस विषय की है कि जो मतपत्र आप मुख्य चुनाव आयोग द्वारा दिए गए, क्या वो उन लोगों तक पहुंचे जो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ उस मतों का प्रयोग करा पाए हो? और इसमें 13C के अंतर्गत आरोपों वापसी के वक्त क्या वो मतपत्र अपने मूल निर्देशों नियमों के अनुरूप वापस हुए हैं या नहीं हुए, ये मुख्य मुद्दा है, गंभीरता है। और एक असली पहरेदार अपने किसी भी सामान को बिल्कुल गंभीरता के साथ ही लेता। तो वर्मा जी, आपने सुना किस तरीके के आरोप सभी कांग्रेसी दल के नेता भी लगा रहे हैं, और खासतौर से हरीश रावत ने तो गंभीर आरोप लगाए, प्रदेश अध्यक्ष भी गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या है आप लोगों का स्टैंड इस पर? सुभाष जी, देखिए, जिस तरह से कांग्रेस रोजाना एक नई बातें लेके आने लगी है, और जिस तरह से कभी ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन जो एक स्वतंत्र बॉडी है और वो किसी के पक्ष में इलेक्शन को पूरा प्रोसेस नहीं करती, बल्कि एक स्वतंत्र बॉडी है और एक मैं सोचता हूँ उसके ऊपर सवाल यदि कोई उठाता है तो एक गंभीर मामला होना चाहिए। और क्योंकि कांग्रेस का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं, कोई चरित्र नहीं, ये कभी न्यायपालिका के ऊपर सवाल उठा लेते हैं,
कभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठा लेते हैं, और अभी कुछ दिन पहले, दो तीन दिन पहले आपके माननीय हरीश रावत जी ने ईवीएम के ऊपर सवाल उठाए। इससे साफ कांग्रेस की जो बौखलाहट है वो प्रतीत हो रही है, आपकी हताशा प्रतीत हो रही है। आप लोगों ने शायद स्वीकार कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में बुरी तरह से हारने वाली है, क्योंकि आप अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर और मतपत्रों के ऊपर थोपना चाहते हैं। दूसरी ओर जनरल विपिन रावत जो उत्तराखंड से संबंध रखते हैं, रखते थे, उनको आप गली का गुंडा बोलकर पुकारते थे, सेना के जवानों को आप आतंकवादी और बलात्कारी बोलते थे, सेना के जवानों को आप आतंकवादी और बलात्कारी बोलते थे, और आपको अब लगने लगा है कि हमने सेना के जवानों का अपमान किया, हमने सेना का अपमान, इतना जबरदस्त अपमान किया है, तो सेना का अपमान किया है, इसलिए सेना का जितना भी डाक पत्र है, सेना सुभाष जी मेरी बात पूरी होने दीजिए प्लीज। मैं मुद्दा नहीं भटका रहा हूँ। सुभाष जी मैं वास्तविकता बयान कर रहा हूँ। कांग्रेस को दिखाई दे रहा है कि सेना का हमने जबरदस्त अपमान किया, तो सेना से जुड़े हुए जितने परिवार हैं उत्तराखंड में, वो कांग्रेस को वोट नहीं कर रहे हैं। इससे कांग्रेस के अंदर एक जबरदस्त हताशा है। जितना हमारा कर्मचारी वर्ग है उसका वोट कांग्रेस को नहीं पड़ रहा है, उससे कांग्रेस के अंदर हताशा है, और अपनी इसी हताशा को उसका एक प्रकटीकरण ये लोग ईवीएम के ऊपर सवाल उठाकर और डाक मतपत्रों के ऊपर सवाल उठाकर ये लोग अपनी हताशा का एक बखान कर रहे हैं। और जिस तरह से आप यदि इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाते हैं, न्यायपालिका के ऊपर सवाल उठाते हैं, तो मैं सोचता हूं कि आप अपने आप ही निर्णय कीजिए, किसी के ऊपर तो आपको विश्वास होगा, या आप हर संस्था के ऊपर यदि सवाल इस तरह सवाल उठाएंगे, तो मैं सोचता हूँ गंभीर मसला है ये। अच्छा वर्मा जी, आपने कह दिया ठीक है, सेना का वोट आपको नहीं मिल रहा था, समझ में आ गया। आपने कहा सरकारी कर्मचारी हैं उनका वोट आपको नहीं मिल रहा था, यानी कि कांग्रेस को नहीं मिल रहा था, इसलिए वो हताश है। लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का आरोप मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि आरोप आखिरकार वो लगा क्या रहे। उनका आरोप ये है कि जो मत पत्र छापे गए थे, यानी कि जो बनाए गए थे निर्वाचन आयोग की तरफ से, जो 80 साल से बुजुर्ग लोग उस विधानसभा में हैं, इसके साथ ही जो दिव्यांग लोग उस विधानसभा में हैं, उन लोगों के लिए जो मतपत्र छापे गए थे वो कितने थे, उनकी जानकारी नहीं दी गई, और उनमें से कितने वोट दिए गए, यानी ये नहीं पूछा जा रहा कि किसको आए, ये पूछा जा रहा कि कितने वोट आए निर्वाचन आयोग के पास जो लोगों ने भेजे हैं, उसकी जानकारी नहीं दी गई। इसका तो जवाब देंगे आप कम से कम। सुभाष जी देखिए, ये इन सारी चीजों की जानकारी प्राप्त करने का जो काम होता है, वो जो प्रत्याशी होते हैं उनके जो मतदान अभिकर्ता होते हैं, जो उनका लीगल सब कुछ देखते हैं, लीगल एक एडवाइजर मैं बोल सकता हूँ, वो लोग इस तरह का सब कार्य देखते हैं। और जानकारी नहीं दी गई निर्वाचन की, तब इसीलिए वो निर्वाचन सुभाष जी लेके गए। सुभाष जी एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं फिर आपके पास लौटेंगे। उमा जी, आपने देखा जिस तरीके से गंभीर आरोप कांग्रेस लगा रही है, पहले शुरुआती में ईवीएम पर कि ईवीएम के साथ छेड़खानी हो सकती है, तो ईवीएम के रक्षा के लिए उनके कार्यकर्ताओं को लगा दिया गया कांग्रेस की तरफ से, उसके बाद अब जिस तरीके से डाक मत
जो बेहतर सुविधा देने की कोशिश की गई थी बुजुर्ग लोगों को, दिव्यांग लोगों को, कि वो अपने मत का प्रयोग कर सकें, उस पर भी कहीं ना कहीं धांधली का आरोप कांग्रेस लगा रही है। आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी इस बार 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े, क्या लगता है कांग्रेस की बात पे कुछ सच्चाई है? देखिए, हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी उत्तराखंड में एक ही है, मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे दोनों हैं। अगर कांग्रेस इस बात को कहती है कि ईवीएम में धांधली हुई है और हम ईवीएम की चौकीदारी करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि जब 10 तारीख को कांग्रेस जब हारेगी तो कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि आप तो खुद ही पहले चौकीदारी कर रहे थे। यानी कि ईवीएम में जो कुछ भी निकल कर परिणाम आएंगे वो कांग्रेस उनको मानना पड़ेगा। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो भी, और अगर कांग्रेस की जमानतें जब हो जाती है तो भी कांग्रेस बोलने के लिए नहीं बचेगी। तो कहीं ना कहीं वो सरकार का ही सपोर्ट करती है अगर वो लोग ईवीएम की देखभाल कर रहे हैं तो। खैर ठीक है, ये कांग्रेस का अपना मसला है और लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि वो कहीं भी जाकर कहीं भी किसी भी चीज की रक्षा करने बैठ सकते हैं। हम चाहें तो हम ताजमहल की रक्षा करने बैठ जाए कि भाई ताजमहल खतरे में है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। वो कांग्रेस करने के लिए ठीक है, और ये बीजेपी के पक्ष में ही जाएगी ये बात। कल को जब कांग्रेस हारेगी तो बीजेपी वाले बोलेंगे अब ठीक हो गया, आप लोगों ने अच्छी ईवीएम की देखभाल करी थी, तो जो पक्ष जो भी निर्णय आया अब कांग्रेस को मान लेना चाहिए। और जिसकी फसल में खेत में फसल होगी वही रक्षा करेगा। भाई मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बैठिए, आप यहाँ क्यों बैठे, आप स्पोर्ट्स कॉलेज के सामने बैठना चाहिए। और दूसरी बात जो इन्होंने पोस्टल बैलेट के बारे में बोली है कि कितने पोस्टल बैलेट छपे थे और उसमें कितने लोगों को मतदान कितने लोगों ने किया है, वो वाकई में एक गंभीर मसला है। और संवैधानिक संस्थाएं जो यहाँ पर चुनाव करवा रही हैं, चुनाव आयोग जो है और चुनाव आयुक्त जो है, उनको इस पर जरूर ध्यान लेना चाहिए कि अगर सपोज करो कि 100 मतपत्र छपे हैं तो क्या 100 के 100 बैलेट पेपर यूज हुए हैं? ऐसा ना हो कि पत्र आपने ज्यादा छाप दिए और कम वो यूज हो पाए हों। तो कहीं ना कहीं संवैधानिक संस्थाओं को इस पर बिल्कुल ध्यान देने की आवश्यकता है। और बीजेपी सरकार पर अगर इस तरह के आरोप लगे हैं तो उनको भी दूध का दूध और पानी का पानी करते हुए जो आंकड़े हैं वो जनता के सामने प्रस्तुत कर देना चाहिए। और उसमें कांग्रेस के लिए फिर कुछ बोलने के लिए नहीं रह जाएगा। जब आप किसी चीज को छुपाने की कोशिश करते हैं तब विपक्ष हमलावर होता है। अगर कांग्रेस ने इस पर क्वेश्चन उठाए हैं तो मैं समझती हूँ कि बीजेपी के प्रवक्ता को और बीजेपी सरकार को इस बारे में एक मतलब सबके सामने आकर इस बात को रख देना चाहिए, बल्कि चुनाव आयोग के इस बारे में ज्यादा रखना चाहिए। वो सरकार उनको आदेशित भी कर सकती है कि चुनाव आयोग इस बात को पूरी तरह से जनता के सामने आकर रखे। तो आपने सुना किस तरीके से गंभीर आरोपों के साथ अब आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मिली हुई दल हैं। लेकिन मैं आप सभी को पहले एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो की पुष्टि न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया नहीं करता है, लेकिन जो ये वीडियो बताया जा रहा है ये किसी आर्मी सेंटर का है और एक ही व्यक्ति इसमें सभी पर सिग्नेचर कर रहा है और सभी पर वोट देता हुआ नजर आ रहा है। जरा एक बार ये वीडियो जरूर आप लोग देखिए। एक बार टिक टिक मारो सब में शायद बात करेंगे। तो ठीक है भैया, ये भी तो नहीं बनना है क्या? ना ना, वो ये नहीं बनना है, उसमें कुछ इसमें मुझे दे ऐसे ऐसे पलट दो इसको। अभी शो साहब भी आते हैं अचानक से कि वोटिंग चल रही है, वोट लगी है आप लोगों की, तो इसको ऐसे पलट दो। अभी वो भी नाम नाम भी देखना है सामने में। सुन ना, मैं पकौड़े के लिए बुला रखा था, क्या करें हम, क्या करें? अरे एक वोट भी बड़ा इंपॉर्टेंट लगा। बिल्कुल सर, क्या नाम नाम देश के विकास में, ये है नाम भूपेंद्र सिंह है। भूपेंद्र सिंह सिग्नेचर यहाँ है नीचे ऊपर है। करो बस हो गया, अपना अपना है यार, खो गए। एक को देना है, दे दी जिसको देता है, लेकिन लीडर अच्छा हो जाता है जो अभी लीडर अच्छा नहीं देता। खाली बैठे देना है, बल्कि मत देना। कांग्रेस को तो मत ही देना, कांग्रेस को नहीं देंगे यार, कांग्रेस को नहीं देंगे। जानती नहीं पहचानती नहीं, पहले वोट हो दो, वोट है तो दो ही जगह जाएगी, दिल्ली या बीजेपी। हमारी बीजेपी नहीं जाएगी। भंडारी जी के पास पूछना है, टिक मारो टिक मारो। तेरा कहाँ आता है? टिक मारो सब में लास्ट में, क्यों दूसरे को दर्शन करने के लिए भंडारी जी को दोबारा घूम के फिर यही आदमी आ रहे भूपेंद्र सिंह लगा रही तुम्हें। और है ये इधर
खुद मिलाने के नहीं प्रकाश बिष्ट पी पी बिष्ट वो हो गया पी बिष्ट लास्ट में से टुक मत मार रहा है जी दो इसको एक और है एक और है तो आपने सुना और देखा किस तरीके से वीडियो में जो वायरल वीडियो है, हालांकि इसकी पुष्टि न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया नहीं करता है, लेकिन ये वीडियो हरीश रावत के फेसबुक पेज पर है और हरीश रावत ने इस वीडियो को साझा करते हुए कहा है कि निर्वाचन आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए, यानी कि इस वीडियो की जांच कराकर देखना चाहिए कि किस तरीके से धांधलेबाजी बैलेट पेपर के नाम पर की जा रही है। और इसमें वीडियो में साफ तौर से नज़र आ रहा है कि सेना का कोई अधिकारी या कर्मचारी है जो एक ही पेपर पर सभी के सिग्नेचर भी कर रहा है, वैलेट पेपर से वोट भी दे रहा है। तो इसी को साझा करते हुए हरीश रावत लिखते हैं कि निर्वाचन आयोग को इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए इस तरीके की धांधलियों को रोकना चाहिए। तो वर्मा जी, किस तरीके से देखते हैं आप इस वीडियो को? सुभाष जी, देखिए अभी जो चुनाव हुए हैं, 14 तारीख को जो चुनाव संपन्न हुए, उस चुनाव से पूर्व कांग्रेस पार्टी के द्वारा दुनिया भर के एडिटेड वीडियोस चलाए गए जो पूरे जनता को भ्रमित करने का जिसने काम किया। और मैं भी अभी इस वीडियो को जो आपने चलाया उसको मैं देख रहा था, उसमें हाथ भी बदल रहे हैं, उसमें कहीं जो हाथ है किसी में काला शर्ट पहनी है, किसी में खाकी शर्ट पहनी है, उसमें हाथ चेंज हो रहे हैं। लेकिन आप यदि उसमें भी एडिटेड उसको करके दिखाएंगे तो एक तरह से आप सेना के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस लगातार सेना को बदनाम करने का काम करती रही है। इस कांग्रेस पार्टी का ये घिनौना चरित्र है। आप कभी सेना को आतंकवादी कहते हैं, कभी सेना को बलात्कारी कहते हैं, और अभी अब जब आपको दिखाई दे रहा है कि सेना का वोट कांग्रेस पार्टी को नहीं पड़ने वाला है तो आप सेना के ऊपर ही इस तरह से गंभीर आरोप लगाने लगे। ये मैं सोचता हूं एक बड़ा एक शोचनीय प्रश्न है और मैं सोचता हूं चुनाव आयोग को भी एक आप लोगों के ऊपर एक एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आपने ना केवल सेना के ऊपर एक टिप्पणी करी और सेना के ऊपर आपने आरोप लगाया, बल्कि एक स्वतंत्र बॉडी जो चुनाव आयोग है जो बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव करवाती है, आपने उनके ऊपर भी आरोप लगाने का काम किया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो सरकार है, हम हर चीज में ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, हमारी सरकारें पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करती हैं, हमारी जितनी बॉडीज हैं पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करती हैं। कांग्रेस अपना पुराना इतिहास उठाकर देखे, कांग्रेस ने हमेशा जितनी संवैधानिक बॉडीज थी उनका हमेशा दुरुपयोग किया। और मैं सोचता हूं आगे इस समय जो ये चुनाव का माहौल है, इस समय भी अपनी हार का डर जो उनको कंटिन्यू सता रहा है उससे दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के घिनौने आरोप लगा रही है कांग्रेस। ये वीडियो की पुष्टि न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया नहीं करता है, लेकिन हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर इसे डाला है और उसके बाद टैग भी किया है कि जिस तरीके धांधलीबाजी की जा रही है इसका कहीं ना कहीं संज्ञान निर्वाचन आयोग को लेना चाहिए। और जिस तरीके से ये वीडियो है, ऐसी कई अन्य मतदाता भी हैं जो इस तरीके से कर रहे हैं, यानी कि मतदाताओं पर भी गंभीर आरोप लगाया बैलेट पेपर के जरिए कि जो बैलेट पेपर का दुरुपयोग कराया जा रहा है, कितने छपाए गए हैं उसकी जानकारी नहीं दी गई, किस किस व्यक्ति को वोट करने के लिए दिया गया उसकी जानकारी नहीं दी गई, कितना जमा कराए गए यानी कि कितने लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग किया गया उसकी जानकारी नहीं दी गई। उमा जी कुछ कहना चाह रही है? उमा जी,
देखिए बीजेपी के प्रवक्ता इस बात में बहुत माहिर हैं कि किसी बात को किसी तरह से किधर को मोड़ दिया जाए। बात यहाँ पर सिर्फ ये है कि एक इस तरह का एक वीडियो सामने आया है और इसकी प्रामाणिकता की जांच करा ली जाएगी, क्या ये वीडियो सही है या क्या वीडियो गलत है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये कह देना कि क्वेश्चन हम आर्मी पर उठा रहे हैं और इस पर उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है वर्मा जी, एक नॉर्मल सी बात है। कल को ये कल आप विपक्ष में बैठेंगे तब आप भी यही करेंगे जो कांग्रेस कर रही है। तब आप लोगों ने भी 2007 में लालकृष्ण आडवाणी जी ने सबसे पहले ईवीएम पर सवाल उठाए थे, सबसे पहले लालकृष्ण आडवाणी जी ने बोला था जी, उमा जी, उमा जी वीडियो को एडिट करके दिखाने, वीडियो को एडिट करके दिखाना उससे क्या संकेत जाता है बताएंगे? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वीडियो हो सकता है, ये तो जांच का विषय, जांच होनी चाहिए। बिल्कुल वर्मा जी, जांच होनी चाहिए। जांच की बात ही ये लगता है कि हरीश रावत भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस वीडियो की जांच कराई जानी चाहिए। यदि सत्यता पाई जाती है, यदि सत्यता पाई जाती है तो कार्रवाई भी करी जानी चाहिए। इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। बिलाल हमें दीजिए इजाजत, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो आपने सुना किस तरीके से सभी प्रवक्ताओं ने अपनी बात रखी, उन्होंने बताया जहां बीजेपी कहती भी नजर आई कि ये जो आरोप हैं इन पर कोई भरोसा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इस तरीके की कोई बात होती ही नहीं है। सरकार में हमारी पार्टी आ रही है, हम जीत रहे हैं और इस वजह से कांग्रेस बौखला गई है, घबरा गई है और इस वजह से वो इस तरीके के बयान मीडिया के समक्ष दे रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि कितनी ज़्यादा सच्चाई इन बयानों में है। क्या कांग्रेस जिस तरीके के आरोप लगा रही है, कांग्रेस जिस तरीके से कह रही है कि इस चुनाव में जो पोस्टल बैलेट हैं जो हर साल उत्तराखंड में बहुत अधिक संख्या में आते हैं क्योंकि सैन्य भूल प्रदेश है, सेना के तमाम जो सिपाही हैं वो उत्तराखंड से बहुत ज़्यादा मात्रा में सेना में भर्ती होते हैं और ये माना जा सकता है कि पहाड़ों में हर एक परिवार से, हर एक घर से एक व्यक्ति सेना में ज़रूर है। तो जो पोस्टल बैलेट है वो बहुत अधिक उत्तराखंड में आते हैं, यानी कि चुनाव में आते हैं। इसके साथ ही इस बार जो पोस्टल बैलेट हैं वो उन लोगों के लिए भी छापे गए थे जो बुज़ुर्ग हैं, जो दिव्यांग हैं, ताकि वो अपने मत का प्रयोग कर सके, वो अपनी सरकार चुन सके, वो अपना प्रतिनिधि चुन सके। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार ये बात कह रही है कि इस चुनाव में धांधली हुई है, ईवीएम तक पर निगरानी रखने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को लगाया गया है और इसके साथ ही जो डाक मत हैं उस पर भी धांधली हुई है, उसकी कोई जानकारी उनको नहीं दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर खड़े करता है। लेकिन इंतज़ार 10 मार्च का भी करना होगा कि आखिरकार 10 मार्च को किस तरीके के नतीजे आते हैं। यदि नतीजे बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो सवाल उठने लाजमी हो जाएंगे क्योंकि कांग्रेस उसके बाद सवालों की बौछार लगा देगी। और यदि 10 मार्च को रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में आते हैं तो शायद जिस तरीके से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो जीतेंगे, उसी तरह जो सवाल हैं वो गायब हो जाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।